सुंदर सी होके आई है अंदर से, बताइए। अंदर शरीर में पलिस्टिक आ गया? अभी नहीं, अभी नहीं। दोनों कंधों के पास खड़े हैं। आप बोलिए पीर साहब अंदर आओ। ये जलाली पीर क्या बोलते हो आप उनको? पीर साहब का नाम क्या है? उद्दन साहब। उद्दन साहब, उद्दन साहब आए। उद्दन साहब पीर, ठीक है, अपनी प्रविष्टि लो, बच्चे के शरीर के अंदर अपना स्थान लो। आपकी सदा ही जय हो। बोलो सच्चे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, जय। आगे ऐसे ही आएंगे? आप क्या सोच रहे थे जलाली होके आएंगे? अरे भाई वस्त्र बदल गए, शक्ति पहले से ज्यादा होगी, ज्यादा शक्ति के साथ काम करेंगे, यही इस दरबार की शोभा है। भैया आज मुंह रख लिया आपने। वो सब आ गया आपका जो वकील तो मंत्र गया ना, वो आपके साथ ही रहते। और आपकी इजाजत रहे तो गादी लगाओ। हाँ हाँ गादी लगाओ, खूब गादी लगाओ। लेकिन अभी दर माता भारी रहती है आपको। अभी मैं दो दूध देता हूँ दरबार से, आपको दिखाई देते हैं ना, आपको तो इनको पीर साहब को दिखाई देते हैं, ठीक है ना? मेरे साथ साथ बोलो, बोलो। मैं सभी धर्मों में समान श्रद्धा रखता हुआ और अपने धर्म पर अडिग रहता हुआ सदैव जन कल्याण के लिए प्रस्तुत हूँ। इसलिए ये सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार है, और इस दरबार से मैं खाली हाथ ना जाऊँ, खाली हाथ ना जाऊँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। हाँ, आप कहाँ रहते? कर्नाटक में। नाम बताइए जोर से। याकूब शेख। याकूब शेख। और मोबाइल नंबर बताइए। 7259-759-504। फिर से बताइए। 7259-759-504। नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, ना मैं कुछ मैंने किसी को कुछ नहीं कहा बहन जी। अच्छा ये आपका नंबर है, तो मैं विनती करता हूँ जो लोग कर्नाटक में मनु भैया की वीडियो देखते हैं, वो मनु भैया के पास आने से पहले याकूब शेख से मिले और इन पीर साहब से प्रार्थना करें मिलकर। क्या कहते हैं कि वो आपके दोषों का मर्दन करे, आपके शत्रुओं का नाश करे। बोलो सच्चे शनिदेव, साबिर जय। ये मैं विनती करता हूँ, आपका नंबर है याकूब शेख, इस पे मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। आप अपने धर्म पे अडिग रहते हुए लोक कल्याण करो। ये दरबार आपको दो दूध देता है जो बहुत ही ताकतवर है, जो आपके आस्थाने की रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और आपसे सेवा लिया करेंगे। बताओ क्या है बेटे? बहुत ही छोटे दो दूध आए हैं और एकदम उनके पंख लंबे हैं और हाथ में मतलब कृष्ण जैसा है और तीन कृष्ण पे भी ऐसे वो बने हैं। पहले के दो हैं वो, तो पहले के हैं दो। हाँ पर वाले ये तो पहले, हाँ पर वाले ये दूध पहले से हैं दो। इनकी भी वो बदल गई, मतलब वो कल दूसरे थे आज एकदम सफेद हो गए हैं। और इनकी भी ड्रेस बदल गई, इनकी भी ड्रेस बदल गई है। अब आया बाद में आया। अरे दरबार ने क्या दिया है, शनिदेव महाराज ने क्या दिया वो देखो। इसने पहले नहीं बताया ना, वे तूने पूछा मैंने बता दिया। है ना आनंद की बात, और छोटी बच्ची के आनंद की बात है, आंखें खुली में भी दिख रहा है उसको। क्यों याकूब शेख, ठीक है। और ये केवल भक्ति का नजारा है, और इसने प्रीतम भैया को देखने के लिए भक्ति की और आज इस मुकाम पर पहुंच गई है। वो भी सफेद कपड़ों में ही जैसे इनके पीर साहब हैं, और एकदम वैसे ही पगड़ी पहन रखी है और एकदम लंबे लंबे हैं और कुर्ता पजामा, एक ने कुर्ता पजामा पहना और एक ने चोगा जैसा पहना, एक ने कुर्ता पजामा पहना एक ने चोगा जैसा पहना है। दो ताकत हो रही है, इनको तरंगे भी आ रही है, उनकी तरंगे आ रही है, महसूस हो रही है, महसूस करो अभी। कहाँ खड़े हैं? अरे यार क्यों इतनी जिद कर, एकदम इनके पीछे, एक पीछे दोनों तरफ। आप विदा लीजिए याकूब, और कर्नाटक में लोगों का कल्याण कीजिए, भला कीजिए। कर्नाटक से याकूब शेख,
और मोबाइल नंबर एक बार फिर से बता दे। 7259-759-504। आस्थाना बताएं आपका कहाँ पे है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। जी दरबार आपको अपनी तरफ से सौगात देता है, आपका कल्याण हो, आपकी लोगों पर कृपा हो, आपके पीर साहब की कृपा पाए लोग और चोड़म्मा माँ की कृपा पाए और सदा सदा आपकी वहाँ पे गति लगे और हम आपको सारी जिंदगी ताउम्र बढ़ता हुआ देख पाए और आपका दरबार बढ़ता चला जाए, आपका आस्थाना शरीफ ऊंचे आस्थानों में आपका नाम दर्ज हो आपके आस्थाने का। मैं ऐसा सिद्धि दो कि मैं आपको देखूँ तो मेरा हर चीज़ आसान हो जाए, कोई बांधे ना कभी नहीं बांधेगा आपको, पता नहीं आपको पता ही नहीं कभी बांध ही नहीं पाएगा कोई, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कुछ हद नहीं, आप इतने सूक्ष्म हो जाओगे आपके अंदर की चीज़ ही नहीं दिखाई देगी। जैसे जैसे कल मैंने मंत्र दूत भेजे, किस लिए भेजेगी? कोई मेरी चीज़ को बांध तो नहीं रहा है, किसी ने मेरी शक्तियाँ तो नहीं बांधी है, कभी पता चले मैं दूसरों की छुड़ाता अपनी भूल जाऊँ क्यों सरदार जी? लेकिन पता चला कि हमारा कोई भी देवता कहीं नहीं गया, पूछो क्यों? क्योंकि हम लाने वाले हैं, बंधन कराने वाले नहीं, अब हम दूसरों की मंगा लेते हैं, दूसरों की नज़र ही नहीं है हमारे ऊपर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शनिदेव महाराज का साबिर पिया का करिश्मा है कि वो कलयुग के अवतारी हैं और उनकी थोड़ी सी कृपा हमने भी पाई है। बोलो सच्चे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर। भाई मजा आ गया।